हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल एजुकेशन जॉन प्लस। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास प्लस वन का केमिस्ट्री थ्योरी का पेपर बताऊंगा जो 70 मार्क्स में आता है। जो जो मैंने आपको प्रीवियस पेपर बताया था, आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पहले जो क्लास प्लस टू सॉरी प्लस वन का जो पेपर हुआ है 2018 में वो डाल दिया है। ये 2000 आपके पास 17 का पेपर है, 2017 का है ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वॉल कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास इसकी बताना है, पी वी इक्वल टू एन आर टी आपको बताना है। थोड़ा पेपर की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, बट फ्रेंड्स मैंने कहीं से आपकी वजह से, आप क्योंकि मेरे को बहुत लोग कमेंट आए थे कि आप केमिस्ट्री का डाल पेपर डालिए, इसलिए मैंने कहीं से करके आपका डाल वीडियो डाल रहा हूँ। राइट द एटमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ थर्ड पीरियड एंड 17 ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है। दर इज एटमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, दर इज एटमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप एंड 17th ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। तो थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है क्या क्या प्रेजेंट होता है ऊपर? तो ये हमारे पास होता है स्कैंडियम, शायद हो सकता है थर्ड IUPAC नेमिंग देनी है, तो होता है 1,4-dioxopentaene-ol। फोर्थ में आपको इंथैल्पी निकालनी है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक में से है, थर्मोडाइनमिक्स में से है। नेक्स्ट आपको आपको इफेक्ट बताना है टेम्परेचर का, विस्कोसिटी तो डिक्रीज कर देती है। रिएक्शन बतानी है, व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट सल्फर है, और कितना कार्बन डिसल्फाइड फॉर्मड हुई है जो हमारे पास इस कंप्लीट कंप्लीटेशन के बाद, तो वह 64, ठीक है। 17th में आपको बताना है कि अननोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट जब हम करते हैं फ्यूम नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? हैलोजन्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं, हैलोजन्स है वो। अ नाउन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड एटमोस्फेरिक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो है हमारे पास आपको लिख रखा है सल्फर सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है वो हमारे पास। नेक्स्ट आपको लिख रखा है एट्थ जो हमारे पास है वो है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इट। तो आपको बताना है इसमें से मॉलिक्यूल बताने हैं, सिग्मा कितने होते हैं, पाई कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ कार्बन एटम बताने हैं आपको। गिव रीजन देना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो डिस्टेंस है ओजोन मॉलिक्यूल का इक्वल है कि नहीं है, इथिन मॉलिक्यूल ट्राइंगुलर प्लानर की होती है, रीजन देने आपको। नाइन्थ क्वेश्चन आपके लिए न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको मोटर मास कैलकुलेट करना है, तो आप कर सकते हैं इजिली, एक ही फॉर्मूला है, स्टेट्स ऑफ मैटर में से क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये हमारे पास पी ब्लॉक में से बोरिक एसिड क्यों रिएक्ट करती है, क्योंकि ये एक्ट एज अ लुईस एसिड करती है जो एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रोस्फेयर को। हमारे पास दो रिएक्शन लिखनी है एम्फोटेरिक नेचर की, तो लिखी है एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एल्यूमिनियम प्लस 3S-3S2, और आप बैलेंस खुद कर सकते हैं इक्वेशन, क्योंकि फ्रेंड्स ये बैलेंस बैलेंसिंग आपको सिखाई गई है क्लास 10th में भी और क्लास प्लस में भी सिखाई जा रही है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारे पास अब हमारे पास 21th क्वेश्चन तो नहीं है, बट हमारे पास ये पेज लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। आउट ऑफ द मोलैरिटी मोलैरिटी दोनों में से कौन सा वे है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बेटर वे, तो आप देख सकते हैं इसको। बी हमारे पास है, हमें बोरोन बोरोन का बता रखा है, बोरोन का इतना है एटमिक मास दे रखा है, हमें परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूला लगा के आइसोटॉप्स का आप निकाल सकते हैं। 22 में आपको मोलिकुलर कॉन्फिगरेशन लिखनी है, राइट बनाना नहीं है लिखना है, दिमाग से लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स सॉरी दिमाग से मतलब आपको देखना है पहले। एंड बॉन्ड ऑर्डर लिखना है और प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट हैं कि इनको एक साथ लिख देते हैं, ये इनका वो सारा डायग्राम है बना देते हैं जिसमें आपको नंबर तो उतने ही मिलने होते हैं, बट उन्होंने राइट कहा होता है, तो राइट में आपको सारा कांटा मार देते हैं। तो फ्रेंड्स राइट अलग बात है और ड्रो अलग बात है, इसको ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स 23 क्वेश्चंस आपको दे रखा है, ठीक है। 24th क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको सलाइवरी प्रोसेस के बारे में बताना है, प्रिपरेशन सोडियम कार्बोनेट की। आपको स्टेट वाइज दे रखा है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू फ्लेम, वेयर एज अल्कलाइन अर्थ मेटल करते हैं, क्यों। सेकंड आपको दे रखा है, अल्कली मेटल डिजॉल्व होते हैं लिक्विड में और अमोनिया गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन, क्यों देता है। थर्ड आपको दे रखा है BeSO4 इन वाटर, बट BeSO4 इन सोल्यूबल क्यों होता है, ये आपको बताना है। और आपको और में दे रखा, विच अल्कली मेटल आयंस फॉर्म लार्जेस्ट हाइड्रेटेड इन अक्वा सॉल्यूशन, ये बताना है वाई। बी में आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है कि प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड गिव वन इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट आपको इनको बैलेंस करना है, तो आप इक्वेशंस को कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको पेपर बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सारे रेगुलरली आपके लिए जितने क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स हैं वो सारे डालूंगा, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। 25th, आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इजीली पता होनी चाहिए। इंटेंसिव मतलब जो इंडिपेंडेंट होती हैं, किस पे? बल्क या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। इंटेंसिव के लिए आपके पास एग्जाम्पल भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव हमारे पास का एग्जाम्पल डेंसिटी है, डेंसिटी सॉरी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। हाँ, एंड इसका हमारे पास सो आपको डेल एच ग्रेटर देन जीरो होता है, एस तो मैंने स्पॉन्टेनियस होता है कि होता है कि नहीं होता है, आपको बाय बताना है क्यों होता है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको हैस लो से है कि रिएक्शन टेक प्लेस होता है वन स्टेप या मोर देन वन स्टेप, बट टोटल एंथैल्पी जितनी है रिमेंस कॉन्स्टेंट रहती है। हाँ देखो, और हमें आगे हैस लो क्या होता है जो मैंने अभी बताया आपको, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालनी है आपको जी की एट, ठीक है। तो जी क्या होता है? डेल जी इज इक्वल टू क्या फ्रेंड्स, और पढ़ा होगा डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एच, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है आपने इंटरनल एनर्जी, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देंगे ये हमारे पास बोन डिफ्यूजन एंथैल्पी के लिए। तो बोन एंथैल्पी निकालनी है फ्रेंड्स में आपको, पहले आप इन सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपको कौन सा आइसोटॉप से जो हाइड्रोजन का यूज़ होता है रिएक्टर्स में, तो वो देख सकते हैं ड्यूटेरियम लिखा है एंड रेडियो एक्टिव में ट्रिटियम लिखा है। नेक्स्ट, वाई हाइड्रोजन परोक्साइड स्टोर्ड इन वैक्स लाइन बॉटल्स में, तो बिकॉज द रफ ग्लास सरफेस इट कॉज डिकम्पोजिशन कॉज करता है, ठीक है। आइस क्यों फ्लोट करती है सरफेस पे, क्योंकि उसका बहुत लेसन होता है, डेंसिटी बहुत लेस होती है एज कम्पेयर टू वाटर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, तो हमारे पास 12th क्वेश्चन, हमें व्हाट इज़ अ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, तो जो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है उसको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। बैलेंस करना है इक्वेशंस को, तो बैलेंस कर सकते हैं इसमें एसिडिक मीडियम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कर सकते हैं, या आप फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन, आपको कितने एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्वांटम नंबर्स में, एन इजिकल टू 4 एंड एल इजिकल टू 0, ठीक है। आपने नंबर ऑफ फोटोन्स करने हैं, तो फोटोन्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि फोटोन्स के लिए व्हाट इज फोटोन्स, इट इज स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमारे पास। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस लिखना है, तो कंजुगेट एसिड में एन एच फोर आएगा और बेस में एन एच थ्री टू टू नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पी एच बताना है, तो पी एच का फॉर्मूला फोलन होना चाहिए वीक एसिड वीक बेस के बारे में सब कुछ। 15th है, एटमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्युमिनियम बिकॉज पोअर शील्डिंग इफेक्ट। आपके पास सिलिकॉन्स क्या होते हैं, दीजर और एन ऑक्सीजन विच रिपीटिंग यूनिट विच रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सी एल फोर हाइड्रोलाइज क्यों होते हैं, वाइल सी एस फोर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण, इसमें कार्बन में। आपको इंपॉर्टेंट है ये, साल से रिपीट हो रही है बट इस साल नहीं हुई है 16।